खरगोन में मकर संक्रांति पर खरगोन नगर का गौरव दिवस हर्षोल्लास और रंग बिरंगी आतिशबाजी के साथ मनाया गया। नगर गौरव दिवस पर खरगोन शहर सहित कुंदा नदी के तट को दुल्हन की तरह सजाया गया। इसमें खास बात यह रही कि खरगोन की जीवन दायिनी कुंदा नदी में कई वर्षों से जनप्रतिनिधि नौका विहार की बात करते रहे लेकिन नाव नहीं चल पाई, परंतु कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और नगर पालिका खरगोन की CMO प्रियंका पटेल की सराहनीय पहल के बाद करीब 40 वर्षों के बाद कुंदा नदी में नौका विहार का सपना सच हुआ। यही नहीं, खुद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, SP धर्मवीर सिंह सहित पूर्व कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने भी कुंदा नदी में नौका विहार का लुफ्त उठाया। करीब 40 वर्षों बाद खरगोन के गौरव दिवस पर कुंदा नदी में नाव चलते देख लोगों में भी भारी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान नदी के तट पर देर रात तक शहरवासियों की भारी भीड़ जमा रही। वहीं खरगोन नगर का गौरव दिवस का मुख्य आयोजन नवग्रह मेला मैदान पर आयोजित हुआ। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज जी का भी ये गौरव दिवस मनाने के पीछे यही है कि इस दिन हम क्या कर रहे हैं, आगे क्या करना है और हम जो कहाँ खड़े हैं इसका आकलन भी हो, और वास्तव में जब समृद्धि आती है तो आनंद भी आता है और वही गौरव की अनुभूति कराता है। तो आज ये खरगोन ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा ही हो रहा है, सभी नगरों में गौरव दिवस की आज से शुरुआत हुई है, तो क्या विकास को लेकर भी खरगोन की सौगात मिलेंगी? निश्चित रूप से विकास की तो शुरुआत हो ही गई है। आप देखा, मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने घोषणाएं की ये अब यहाँ पर कॉरिडोर बनेगा, नवग्रह कॉरिडोर। तो नवग्रह कॉरिडोर तो बड़ा विकसित होगा और फिर और भी सारी योजना, जैसे अब हमारे मेडिकल कॉलेज आ रहा है, एग्रीकल्चर कॉलेज भी आएगा, फिर इसको आगे चल के संभाग भी बनाएंगे, ये सब होगा ही। खरगोन को जिस प्रकार से एक सपना साकार हो रहा, नाव चल रही है कुंदा नदी में, क्या कहना चाहिए? नहीं, अब ये तो हमने पहले ही कहा था कि हम कुंदा को हम हर की पौड़ी और उज्जैन का जो राम घाट है वैसा बनाएंगे। अब उसमें कुछ ब्रेक आ गया था बीच में, लेकिन अब फिर स्पीड पकड़ रहा है, तो कुछ आप देख ही रहे हैं कि इसका ट्रायल हो रहा है तो, लेकिन ये सुंदर दृश्य है वो आगे अभी कुछ ही दिनों में यहाँ बिल्कुल ऐसे ही और भी अच्छा सुंदर दृश्य यहाँ दिखेगा। सारी जनता, हमने जैसे कहा था कि यहाँ नाव भी चलेगी, तो अब नाव तो आप देख रहे हैं आज ही चल रही है और हमेशा चलेगी ये नाव, और इसके अलावा भी जल में जो घूमने के जो साधन हैं वो सब इसमें रहेंगे उपलब्ध। और फिर सारी जनता, क्योंकि ये खरगोन शहर का पर्यटन केंद्र ऐसा है, ये इसको विकसित किया जा रहा है, और ये तो सारी जनता रात को इधर ही रहेगी, क्योंकि यहाँ जो चौपाटी भी सज रही है इधर सब पूरा। सरकार की जो मंशा गौरव दिवस मनाने को लेकर, जो यहाँ पर परिकल्पना को साकार किया जा रहा है, क्या कहना? अब इसलिए तो शहरवासी सब आज इकट्ठा हो रहे हैं और गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हमारा खरगोन कैसा होना चाहिए। तो अब देख रहे हैं कि ये दिनों दिन खरगोन का जो सौंदर्य है वो बढ़ रहा है, यहाँ पे सब जितने सुख समृद्धि सब बढ़ रही है खरगोन की, तो यही इसी को लेकर के सारी जनता गौरव करती है। देखिए, कुंदा नदी जिसमें हम लोग नौका विहार भी कर रहे हैं, ये खरगोन शहर की जीवन रेखा है। कुंदा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने का और इसमें जो सफाई अभियान शुरू किया गया है, ये बहुत ही अनुकरणीय पहल है प्रशासन की और जनभागीदारी से एक बड़ा काम होने जा रहा है। आज मकर संक्रांति के पावन दिवस पे खरगोन शहर का जो गौरव दिवस मनाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी पहल है। इससे एक बड़ा सकारात्मक संदेश समाज में जाता है, यहाँ के आम नागरिकों में एक जीवंतता की भावना आती है। तो आज खरगोन शहर के गौरव दिवस के अवसर पर सभी शहरवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएँ। हमारी कुंदा नदी प्रदूषण मुक्त हो, इस अभियान में हम सब लोग भागीदारी बने, और आगामी जो मार्च महीने तक जो अभियान चलाया गया है इसमें सभी भागीदार बनेंगे, तो निश्चित रूप से आज जो स्वरूप हम देख रहे हैं उसका बहुत अच्छा स्वरूप आगे हमको देखने का मौका मिलेगा। खरगोन का गौरव दिवस है और आज कुंदा नदी में कई सालों बाद तक नाव चली है और आप भी इसमें आनंद ले रहे हैं, नाव का क्या कहना चाहिए? देखिए, खरगोन का गौरव दिवस है, ये सबसे खुशी का दिन है। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हर शहर का हर गांव का एक अपना दिन होना चाहिए गौरव दिवस के रूप में, और इस गौरव दिवस के अवसर पर नगर पालिका ने पूरी साज सज्जा करी है। और आप जैसा आप सभी बता रहे हैं कि शायद 40 साल बाद कुंदा नदी में बोटिंग शुरू हुई है, तो ये गौरव दिवस के आनंद को और दुगना कर रहा है।
शहर के प्रति जो लोगों में लगाव है वो यहाँ दिख रहा है। कुंदा नदी में प्रदूषण है, ये आप सबको मालूम है, अभी भी सीवर की कुछ लाइनें मिलती हैं। हमारा लक्ष्य रहेगा कि आगामी समय में हम इसे पूरी तरह प्रदूषण मुक्त करें और निर्मल जल में लोग नौका विहार करें। जो सिटी में क्वालिटी लाइफ की बात होती है, तो लोगों को घूमने की जगह हो, मनोरंजन की जगह हो, शहर साफ़ सुथरा दिखे, यही हम सबकी परिकल्पना है और आज उसकी एक बहुत ही सकारात्मक शुरुआत हो गई है। असंभव था कुंदा नदी में नौका विहार, कम 40 साल बाद में ये मौका आया है। इसमें कहीं ना कहीं इसकी जो गाद थी और काफ़ी गंदगी कितनी मात्रा में यहाँ से निकाली जा चुकी और आगे भी ये क्रम जारी है। देखिए, ताकत तो शहर के लोगों में होती है, प्रशासन या कोई भी जो शासकीय संस्था होती है वो अपना काम करती है। शहर के लोगों की इच्छा थी, उन सबकी भावना थी, और जैसा कि आपको मालूम है हम लोगों ने ये कुंदा नदी सफाई की शुरुआत की है, और लगभग चूँकि बहुत दिनों से गाद और मिट्टी थी तो अब तक लगभग 300 डंपर गाद निकल चुका है। गौरव दिवस के कारण इसमें पानी भरा गया, स्टॉप डैम बन गया है। जैसे ही ये कार्यक्रम ख़त्म होगा हम सफाई की शुरुआत फिर से करेंगे और 31 मार्च तक हमारा लक्ष्य है कि नदी गहरी हो जाए और इसमें पर्याप्त पानी का स्टोरेज हो और सीवर वाली जो व्यवस्था है वो भी आगामी दिनों में इसको ठीक करेंगे। निरंतर नाव चलती रहे सर, इसके लिए कितने प्रयास किए जाएंगे? देखिए, नाव तो 26 जनवरी तक चलेगी, उसके बाद चूंकि सफाई का काम करना है, एक बार सफाई हो जाए व्यवस्थित रूप से फिर नाव हमेशा ही चलेगी। व्यवस्था की खरगोन की कुंदा नदी में नौका विहार हो पाएगी, आज 40 साल के बाद ये संभव हो पाया, किस प्रकार से मेहनत करना पड़ी, किस प्रकार से काम किया गया? माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में लगातार प्रयास चल रहे थे। जैसे आपको पता है आज हमारा गौरव दिवस है, निमाड़ की संस्कृति बहुत समृद्ध रही है, बहुत रिच रही है डाइवर्सिटी यहाँ की पहले से, तो उस संस्कृति को सहेजते हुए, क्योंकि नदी शहर के बीच से निकली है ऐसा सौभाग्य कम शहरों को मिलता है, तो नदी जो है इस शहर का सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट है, सबसे आकर्षक केंद्र है, इसको हमने सहेजने की कोशिश की है दोबारा। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में परिषद के सहयोग से और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यहाँ पे जैसे सबके सजेशंस आते हैं उस तरह से हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। जैसे अभी कुंदा की सफाई का अभियान कलेक्टर साहब ने शुरू करवाया है, तो कुंदा को डीसिल्टिंग भी करेंगे हम, यहाँ पे पानी हमेशा रहे ऐसी व्यवस्था करेंगे, लोग यहाँ पे नाव चलाने का और नाव में बैठ के घूमने का आनंद ले सकें। और आप जैसे देख रहे हैं पूरे रोड सजा हुआ है, एक चौपाटी भी यहाँ डेवलप हो रही है, तो एक बहुत आकर्षण का केंद्र रहेगा ये आगे आने वाले समय में, सबको इस पोर्शन में अच्छा लगेगा। और उस तरफ नदी के पोर्शन में नवग्रह मंदिर है, तो वहाँ पे भी हमें घाट डेवलप करना है, कॉरिडोर बनेगा, तो ओवरऑल ये आकर्षण का केंद्र रहेगा शहर का, और ऐसे हम आशा करते हैं कि ये सब जल्दी हो जाए। कितनी गाद यहाँ से निकाली जा चुकी है और कितना? लगभग यहाँ से हम लोग 300 डंपर गाद निकाल चुके हैं और ऐसा अनुमान है कि 1 से 1.5 लाख डंपर गाद निकलने की यहाँ से। कब तक चलेगा भैया? हम 3 माह इसको चलाएंगे। अभी ऐसा हमने सोचा है कि हमारा जो भारत पर्व का कार्यक्रम है उसको हम इसी तट के किनारे रखेंगे, तो सबको यहाँ देखने का अवसर मिलेगा और सब लोग इसका आनंद ले सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।